Hello friends, welcome to the second class of national income. In the last class we discussed what is national income. Let me recall that for you. So national income is the measure of factor earnings of the residents of the country both from economic territory and from abroad. मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए डेफिनेशन क्योंकि इसके अंदर दो ऐसी चीजें हैं जो आज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा. सो नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी एंड हु आर रेजिडेंस. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इकोनॉमिक टेरिटरी. वेल इकोनॉमिक टेरिटरी को डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहा जाता है. अगर साधारण भाषा में बात किया जाए तो इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है विद इन योर कंट्री. बट इसको ऐसे हम नहीं करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम याद करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी और फिर उसके कंपोनेंट्स देखेंगे क्या क्या होते हैं और कोशिश करेंगे कि वो भी हमें याद हो जाए. लेट अस स्टार्ट. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. सपोज आपको गोल्डन टेम्पल जाना है, आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप बताइए आपको कोई वीजा लेना होगा? नो. अगर आपको से यूरोप जाना है तो ऑब्वियसली आपको वीजा लेना होगा. What do we mean by that? मैं रिपीट करता हूं. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी. जस्ट इमेजिन इंडिया का बाउंड्री, इंडिया का मैप, इंडिया का नक्शा. सो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. अब विद इन इंडिया आप आराम से घूम फिर सकते हैं बिना वीजा के, गुड्स इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं. बट आई एम अफ्रेड दिस इज नॉट द केस अगर आप यही तीनों चीजें देश के बाहर ट्रांसफर करना चाहें. सो इकोनॉमिक टेरिटरी या ज्योग्राफिकल टेरिटरी को हम क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या बोल सकते हैं? मेरे साथ एक बार सभी लोग दोहराएं. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट within which people, goods and capital circulate freely. National income हमने क्या बोला था? National income is a measure of factor earnings of the residents of the country both from economic territory and from abroad. And here now we are discussing economic territory. So economic territory is that geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. So now guys, we will be looking at the components of domestic or economic territory. Well, there are four components. First, mere saath boliyega please. Territory lying within the political frontiers of the country. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and air space. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and air space. इसका मतलब है, अगेन भारत का नक्शा को अगर आप यू नो विजुलाइज करते हैं तो उस नक्शे के अंदर जितना भी पानी के स्रोत हैं, वाटर रिसोर्सेस, और जितना भी एयर स्पेस है वो इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा विदाउट इंडियन गवर्नमेंट्स परमिशन. बाकी के देश के लोग हमारे वो वाटर स्पेस को और एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो मेरे साथ दोहराइए, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री. टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस. दैट्स फर्स्ट कॉम्पोनेंट. सेकेंड, मेरे साथ बोलिएगा, ships, aircrafts, etc. operated by residents. Ships, aircrafts, etc. operated by residents between two or more countries. Ships, aircraft, etc. operated by residents between two or more countries. तो ये भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा क्योंकि इंडियन रेजिडेंस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है. थर्ड, मेरे साथ बोलेंगे, embassies, consulates, military bases. Embassies, consulates, military bases. Embassies, consulates, military bases, etc. located abroad, but excluding the foreign ones located within its political frontiers. मतलब हमारी एम्बेसी, हमारे consulates, हमारे military bases अगर किसी और देश में स्थापित है तो वो हमारी domestic territory का part माना जाएंगे. But similarly अगर बाहर किसी देश का एम्बेसी, consulate या military bases हमारे देश में है तो वो हमारी territory ना माने के उस देश के domestic territory का part माना जाएगा. तो अब तक मैंने तीन components आपके साथ discuss करे हैं, आप एक दफे याद कर लीजिए. Territory lying within the political frontiers of the country. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and airspace. Ships, aircrafts, etc. operated by residents between two or more countries. Ships,
aircraft, etc., operated by residents between two or more countries, embassies, consulates, military bases located abroad, but excluding the foreign ones located within its political frontiers. So, मैंने आपसे कहा था कि domestic territory के चार component होते हैं. तीन हमने discuss करे, चौथा मैं अभी discuss कर रहा हूँ आपके साथ. कोशिश कीजिएगा ये याद हो जाए आपको, क्योंकि हमने अपने experience से बता रहे हैं, बहुत कम लोग जो हैं हमने देखे जिनको ये याद होता है. Concept तो पता होता है, but याद भी अगर हो तो that's a good combination. तो मैं आपको चौथा कंपोनेंट बताऊं, उससे पहले एक बारी दोहरा लेते हैं. हमने सबसे पहले पढ़ा था नेशनल इनकम. तो मेरे साथ बोलिए, नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स. या नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड. नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड. फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक टेरिटरी. बोलिए मेरे साथ, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. कंपोनेंट्स, पहला टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री. टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस. सेकेंड, शिप्स एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. शिप्स एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंस बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. Embassies, consulates, military bases, etc. Embassies, consulates, military bases, etc. located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Embassies, consulate, military bases, etc. located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Fourth component. Iski language thodi tricky hai, to dhyan purvak mere saath repeat kijiye please. Dhyan purvak. Fishing vessels, oil and natural gas rigs. Floating platforms. दोबारा बोल रहा हूं, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंस इन इंटरनेशनल वाटर्स और अदर एरियाज ओवर विच आर कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट्स. ध्यानपूर्वक सीखिए, मुश्किल है ये, बट यू गॉट टू टेक इट. फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents in international waters or other areas over which our country has exclusive rights. अब मेरे पास चार components आ गए हैं. मैं चारों components एक बारी आपके साथ दोहरा रहा हूं, आप इसको मेरे साथ याद कर लीजिए अच्छे से, बढ़िया से चले. तो मेरे साथ बोलिए, territory lying within the political frontiers of the country. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and airspace. Second, ships and aircrafts, etc., operated by residents. Ships and aircrafts, etc., operated by residents between two or more countries. Third, embassies, consulates, military bases. Embassies, consulates, military bases, etc., located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Embassies, consulates, military bases, etc., located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Fourth, fishing vessels, oil and natural gas rigs. Fishing vessels, oil and natural gas rigs, operated by residents in international waters or other areas over which our country has exclusive rights. अब मैं 2 से 3 मिनट आपके और लेने वाला हूं. इसको अब मेरे को याद करना है अच्छे से आपके साथ, इसको खत्म ही करते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले नेशनल इनकम मेरे साथ बोलो. नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स. नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड. फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है? आपको करना है. नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ, यस, फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड. अब आते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी. तो पहले याद कर लेते हैं मेरे साथ बोलिए, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. विद इन विच पीपल गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. अब फिल इन द ब्लैंक्स. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. कंपोनेंट्स मेरे साथ बोलिए, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री.
territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and air space. Theek hai, fill in the blanks. Territory lying within the political frontiers of the country, including territorial water and air space. Second, ships, aircraft, etc. operated by residents between two or more countries. Ships, aircraft, etc. operated by residents between two or more countries. Fill in the blanks. Ships, aircraft, etc. operated by residents between two or more countries. Third, embassies, consulate, military bases, etc. Embassies, consulates, military bases, etc. located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Embassies, consulates, military bases, etc. located abroad but excluding the foreign ones located within its political frontiers. Fill in the blanks. Embassies, consulates, military bases located abroad but excluding the foreign ones located within the political frontiers of the country. Fourth, fishing vessels, oil and natural gas rigs, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents in international waters. Fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents in international waters or other areas over which our country has exclusive rights. Clear guys? So, ab tak humne dekh liya ki national income kya hota hai aur humne ye bhi dekh liya ki domestic territory kya hota hai aur uske components kya hote hai. Ab main aapko sikhata hu who is a resident. ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ रेजिडेंट क्या होता है. पहले डेफिनेशन दे रहा हूँ फिर एग्जांपल से सिखाता हूँ. तो उससे पहले रेजिडेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी बता देता हूँ. ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन में भी था और इकोनॉमिक टेरिटरी जब हमने पढ़ा तो उसमें भी कई जगह इसका मेंशन था. बताऊं कैसे, देखो कैसे. नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ फैक्टर अर्निंग्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड फ्रॉम अब्रॉड. है ना रेजिडेंट. Economic territory is the geographical territory administered by the government within which people, goods and capital circulate freely. Territory lying within the political frontiers of the country including territorial water and airspace. Ab dhyan se, ships, aircraft, etc. operated by residents between two or more countries. Embassies, consulates, military bases, etc. located abroad but excluding the foreign ones located within its domestic territory. Phir tha, fishing vessels, oil and natural gas rigs, floating platforms operated by residents in international waters or other areas over which our country has exclusive rights. तो अब ये हमारे लिए imperative बन जाता है कि ये जाने भाई resident है कौन. तो आइए पहले definition और फिर example देता हूँ. ठीक है. A resident whether a person or an institution is one. A resident whether a person or an institution is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country where he lives or is located. A resident, whether a person or an institution, is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives or is located. What is economic interest? Abhi batata hu aapko. By center of economic interest means that the resident lives or is located within the domestic territory of the country. The resident lives or is located within the domestic territory of the country and he carries out the basic economic activities of earning, spending and accumulation from the location. Ab main aapko ek meaning deta hu, example deta hu, fir dobara padhenge definition. Theek hai. सपोज पंजाब से एक व्यक्ति कनाडा जाता है और कनाडा में वो वहां पर एज अ टैक्सी ड्राइवर काम कर रहा है. तो आप बताइए बेटा वो अभी कहां रह रहा है. सर कनाडा. ओके. सो कनाडा में रह रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं कर रहा है, वहीं खा रहा है, वहीं कमा रहा है, वहीं पे एक्यूमुलेशन जो भी सेविंग वगैरह वो कर रहा है. सो इन दिस केस दिस पर्टिकुलर गाय विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा, एज अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा बट सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनल ऑफ इंडिया. क्यों? क्योंकि उसका पासपोर्ट इंडियन ही है अभी भी. समझ रहा है मेरी बात. एक और एग्जांपल, सपोज एक रशियन है, वो इंडिया में आया, गोवा घूमा, उसको बड़ा अच्छा लगा गोवा, कहता है यार मैं यही रहूंगा, यही काम करूंगा. ओके, परमिशन के साथ ऑब्वियसली. तो अब ही इज नॉट अ पासपोर्ट होल्डर इंडिया का, पर वो इंडिया में रह रहा है और काम कर रहा है और सब अपना चला रहा है. तो फिर उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज नॉट ओनली लिविंग हियर बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहां पर है. तो अब आपने कई बार सुना होगा एनआरआई. एनआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन रेजिडेंट इंडियन. तो ये वो लोग होते हैं जो है तो इंडियन बिकॉज दे आर होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट बट दे आर नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया. तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो रेजिडेंट किसी और देश के. ठीक है. सो आप डेफिनेशन याद करते हैं. अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन. अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन. अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हूज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री वेयर ही लिव्स और इज लोकेटेड. दोबारा बोल रहा हूं. अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज वन.
A resident, whether a person or an institution, is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country where he lives or is located. What do we mean by center of economic interest? Well, guys, center of economic interest means A. The resident lives or is located within the domestic territory of the country. The resident lives or is located within the domestic territory of the country. And second, he carries out the basic economic activities of earning, spending and accumulation. Earning, spending and accumulation from the location. मैं भी आपको नेशनल इनकम का, इकोनॉमिक टेरिटरी का और रेजिडेंट का नोट्स भी दे रहा हूँ, सो दैट आपको नोट से भी एक बार पढ़ लें. प्लीज एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिएगा. फर्स्ट टॉपिक लिखना है नेशनल इनकम, सेकंड लिखना है डोमेस्टिक टेरिटरी और कंपोनेंट्स, थर्ड लिखना है रेजिडेंट, और लिख लिख के याद कर लेना है. और ये रजिस्टर जब आपके पास तैयार होगा, ट्रस्ट मी आई विल बी मेकिंग इट श्योर कि आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हो अपने पेपर के लिए, आप सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरी किताब रिवाइज कर सकते हैं. दिस इज ट्रू, आप कर सकते हैं. उसके लिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वो करते हैं. तो अब तक हमने नेशनल इनकम कर लिया है, इकोनॉमिक टेरिटरी कर लिया और रेजिडेंट कर लिया है. आप अच्छे से इसको पढ़ें. अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंट और सिटीजन में क्या फर्क होता है. कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको नॉन रेजिडेंट के, और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा अगली क्लास में जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. सो तब तक आप इस क्लास को अच्छे से पढ़ें. गाइज, 6 डेफिनेशंस है. मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया भी था कि मैंने बुक में काफी सारे डेफिनेशंस दिए, बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट वन. बाकी की मैं नॉर्मल जो क्लासेस होंगी, फिजिकल क्लासेस, उसमें डिस्कस करूंगा. इसके बाद है डोमेस्टिक टेरिटरी, जो हमने अभी याद किया है. सो आई होप आपको अब ये पढ़ के और अच्छे से याद हो जाएगा. दिस इज इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर यू. देख लीजिए, हूबहू याद किया है आपने. इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल और पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली. टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस एंड देन एम्बेसी विल अपॉइंट एज शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स. इसके बाद बेटा, हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट. तो आप देखेंगे मैंने इसमें 2 डेफिनेशंस दी हैं. दूसरी डेफिनेशन मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, बिकॉज एक्चुअली होता क्या है कि कई बार एप्लीकेशंस जो है ना, बंदा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये रेजिडेंट है या नहीं है. तो उसमें सेकंड डेफिनेशन काम की आती है. जैसे फिर भी चलो हल्का फुल्का डिस्कस कर लेते हैं. रेजिडेंट इज अ पर्सन जो नॉर्मली रिसाइड करे उस कंट्री में और पीरियड ऑफ स्टे जो है मोर देन 1 ईयर हो. एंड देन हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री. तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैंने अभी आपको पहले बता ही दिया क्या होता है. तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एक यूट्यूबर है, बाहर से आया है अमेरिका से, वो इंडिया के फूड पर यू नो अपने यूट्यूब वीडियोज बनाता है. तो आप बताओ वो है तो इंडिया में, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा? तो अगर ऊपर वाली डेफिनेशन पे जाऊं ना, तो आप बोलोगे रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, येस ही इज हेयर एंड ही इज कैरिंग आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज, येस ही, बिकॉज उसका वो तो यूट्यूबर है तो वो वीडियो बना रहा है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही है. बट स्टिल उसको मैं रेजिडेंट नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज ये जो सेकंड डेफिनेशन का पहला पॉइंट है दैट विल हेल्प मी, दैट सेज हु नॉर्मली रिसाइड्स इन द कंट्री बट द पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर. आई डोंट थिंक सो इस पीरियड ऑफ स्टे इज मोर देन 1 ईयर. अभी नेक्स्ट क्लास में काफी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि ये पॉइंट मैं और आपको एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर पाऊं कौन रेजिडेंट होते हैं और कौन नहीं होते एंड हाउ अ रेजिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिटीजन. तब तक अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए.